Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of not-for-profit organizations. और इसी चैप्टर के हम यही सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपकी कैश बुक के टाइप का होता है. डेबिट साइड में इस कॉलम में रिसीट साइड में आपके जो कैश आ रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है इनकम को, तो उसको देखते नहीं है हम. सीधा जो कैश रिसीव हो रहा है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, जो पेमेंट हो रहा है क्रेडिट साइड में लिखेंगे. तो क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ साथ. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च ऑफ द करेंट ईयर. करेंट ईयर दे रखा है वहां पे, आप देखो. तो सबसे आपको टॉप लाइन में लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब. ये देखो इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब, ये लिखो इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब. दिस इज देन प्रिपेयर द फॉर्मेट. दिस इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च ऑफ द करेंट ईयर. करेंट ईयर आपका क्वेश्चन में दे रखा है, आप इसको उतारो इसी साल. एंड दिस इज ए लेजर डेबिट साइड क्रेडिट साइड एंड वी हैव रिसीट्स एंड पेमेंट्स. रिसीट्स हियर इन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स हियर इन द क्रेडिट साइड. और आपके रुपीज का सिंबल. तो दिस इज डन, द फॉर्मेट इज रेडी. सबसे फास्ट आइटम आपके है कैश इन हैंड ऑन 1st अप्रैल ऑफ द लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर का कैश इन हैंड इधर आएगा और करेंट ईयर का कैश इन हैंड इधर आएगा. यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्लोजिंग कैश इन हैंड दे रखा नहीं है करेंट ईयर का. तो व्हाट इज टू बी डन इज यहाँ पे आंसर निकलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस. तो हेंस आप इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो करेंट ईयर का बैलेंस. दिस इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. फर्स्ट आइटम 4390 करके देखते जाओ और लिखते जाओ, क्योंकि ये ओपनिंग कैश इन हैंड है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैश बैलेंस, करंट ईयर का ओपनिंग. तो हमने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और वी कुड हैव रिटन कि लास्ट ईयर बैलेंस या बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर. देन सब्सक्रिप्शन, ये आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस या करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस. Then next one is your subscription. Subscription club के लिए income होता है, जो members regularly जो payment करते हैं usually, किसे उधार भी रह जाता है कोई advance में देता है, तो हर member कुछ पैसे देता है वो either monthly और annually. तो this is known as subscription. तो subscription is your income. तो रिसीट साइड में ये पैसे मिला मेंबर से. यस, दिस इज सिंपली कैश अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन. और यू कैन से रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट. नेक्स्ट वन इज डोनेशन. पढ़ो आप डोनेशन 8000. डोनेशन भी मिला है कैश डेबिटेड टू डोनेशन. यू कैन से रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू डोनेशंस बीइंग डोनेशंस रिसीव्ड. जर्नल का लेजर पोस्टिंग. नेक्स्ट वन इज एंट्रेंस फी, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिटेड टू एंट्रेंस फी. डेबिट साइड के नीचे लिखो टू एंट्रेंस फी 4300. सारे रिसीट्स डेबिट में आएगा, क्योंकि आप जब जर्नल एंट्री पास करते हैं दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट डेबिटेड और से कैश अकाउंट. अगर चेक लिया तो अगेन इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एंट्रेंस फीज 4300. दिस इज नथिंग बट कैश और बैंक अकाउंट. दिस इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए कैश और बैंक अकाउंट. देन कम्स योर रेंट रिसीट फॉर क्लब हॉल्स. क्लब के हॉल होता है और उसको हम रेंट पे देते हैं, शादी के लिए, फंक्शंस के लिए, पार्टीज के लिए देते हैं. तो उसमें हमें जो रेंट मिलता है उससे पैसे रिसीव होता है. तो दैट विल बी शोन इन द डेबिट साइड टू रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल्स.
that is 5250. Next one is electricity charges, ये payment है, तो हम क्या करेंगे, will now search for कोई और पैसे मिलने वाला है क्या, तो tax paid payment side में आएगा, salaries भी payment करते हैं हम, honorarium to secretary भी हम payment करते हैं, interest received on investments, तो we have to write down पैसे मिला, interest मिला investment से, that is again cash or bank or receipt and payment account debited to interest on investments received, या खाली account, you can say write down to interest on investment account or to investments received account, या to interest on investments received, या आपके question में जो लिखा है interest received on investment, ये भी लिख सकते हो, तो this is cash bank or receipt and payment account debited to interest on investments received account, it is 2950, और कुछ है नहीं, और बाकी सारे payment है, क्योंकि printing and stationery, petty cash expenses, insurance premium paid, ये सारे हमारा खर्चा होता है, ये सारे हमारा expenditure होता है, तो what is to be done is, हम क्या करेंगे, interest on investment received के बाद, we will be doing like this, by electricity charges, next one is, by electricity charges, this is simply electricity charges account debited to cash bank or to receipts and payment account, to credit side में आया, then taxes paid, we are also paying taxes, taxes paid भी credit side में आया, the next one is salaries, we are paying salaries, salaries to cash, is simply cash account है, salaries account debited to cash account, or you can say by salaries, next one is honorarium to secretary, honorarium होता है जो club के secretary हैं, जो इतने time invest करते हैं, उनका जितने salary होता है हम नहीं दे पाते, तो honorarily with respect हम कुछ छोटा मोटा payment देते हैं, क्योंकि जो इतने बड़े responsibility लेते हैं उनको सैलरी ज्यादा देना चाहिए, बट ये हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनको थोड़ा बहुत खर्चा देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनरारियम टू सेक्रेटरी, आपको हमेशा मेरे तरफ से ये एडवाइस रहता है, गो थ्रू द थ्योरीज और क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो, बाय ऑनरारियम टू सेक्रेटरी 2500, नेक्स्ट लाइन देखो, बाय ऑनरारियम respectable payment is the honorarium, किसी बड़े इंसान को हम छोटा सा payment करते हैं with respect, marginal payment for the work done by him, next one is printing and stationery, club printing and stationery खरीदता है, payment करता है by printing and stationery, payment side में this is print stationery account debited to cash account या टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट सारे पेमेंट साइड में या इस पर्टिकुलर में, रिसीट सारे इधर, नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस मतलब सारे छोटे मोटे खर्चा को टोटल करके जितने आया उन्होंने टोटल करके दे रखे हैं, जैसे कोई छोटा मोटा चैरिटी कर दिया, दो चार रुपए का किसी को दिया, और एक कप चाय कोई कस्टमर को पिलाए, और क्लब के कोई भी छोटा मोटा खर्चा होता है, दो पांच दस पचास रुपए मिला के 900, दैट इज पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दैट इज पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो आफ्टर दिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वी हैव दिस पेटी एक्सपेंसेस, नॉट दिस honorarium to coaches, it is your petty expenses, then petty expenses is rupees 900, the journal entry is petty expenses account debited to cash account or receipt and payment account, next your insurance premium account debited to cash or bank account by insurance premium paid, you can simply write down khali aap likh sakte hain insurance premium account, iske baad hamara pura question complete ho gaya, हमारा क्रेडिट साइड छोटा है, डेबिट साइड बड़ा है, क्योंकि देखो अकेले ये 37,000 है ये आइटम,
और बाकी 4,000, 8,000, 5,000 सब है, तो हम रेऑप्स में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कौन सा साइड बड़ा है। दिस डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड को पहले टोटल करो और लिखो 62,490, देन इसको डेबिट साइड से उतारो, यहां उतार दो 62,490, देन ये क्रेडिट साइड का सारे पेमेंट्स को आप ऐड करो। हाउ टू बैलेंस ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसको ऐड करके इस 62,490 से माइनस करो, द डिफरेंस विल बी रिटेन हियर एज बाय बैलेंस कैरेट डाउन एंड द अमाउंट विल बी रिटेन इन दिस प्लेस। नाउ सी बाय बैलेंस कैरेट डाउन इट इज 33,000 एंड दिस इज ऑल, दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। तो हमारा बैलेंस कैरेट डाउन 33,000 आया एंड दिस इज हाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सारे रिसीट्स इधर आएगा, सारे पेमेंट्स इधर आएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि इस पीरियड में पैसे आ रहा है। दिस इज सिंपली ए सिंगल कॉलम कैश बुक एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।